ये एक हिंदी साम्राज्यवादी पार्टी है, ये एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये एक दलित बहुजन विरोधी पार्टी है। लोगों का ये कहना है कि किसी भी पार्टी को वोट दो, किसी को भी वोट दो, लेकिन भाजपा को वोट मत दो। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर बंगाल की जनता ऐसा क्यों चाहती है। क्योंकि बीजेपी देश के बेच देता है, वर्कर्स लोग को काज नहीं देता है, मजदूरी कम देता है, और किसान लोग लगता है उसको डिमांड नहीं लेता है। कहा जा सकता है कि किस तरह से बंगाल की राजनीति में किसान आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। होगा सियासी घमासान, सत्ता के लिए लड़ेंगे भाजपा, टीएमसी और वाम। कौन चलेगा तुरुप का इक्का, किसके पाले में जाएगी आवाम, क्या ममता सरकार को मिलेगा समर्थन, या बंगाल में हो गए सत्ता परिवर्तन, किसका होगा बंगाल, देखिए हमारे साथ अमार सोनार बंगाल। फिलहाल मैं रामलीला ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर पुडुलिया से लोग आए हैं, झोल नाच यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि भाजपा के विरोध में ये लोग आए हैं। भाजपा का को नो वोट टू भाजपा, ये यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और ये लोग यहाँ पर आए हैं, नृत्य दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ जो छात्र हैं उनका समर्थन करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। ये तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ आई हैं। मैं बता दूं कि एक जो पूरा कार्यक्रम है ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए बुलाया गया है, और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में, खास तौर से महिलाएं हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में कहाँ से आई हैं, पुरुलिया से आई हुई हैं। ये सारी महिलाएं को पुरुलिया जगह है वहाँ से आई हुई हैं। बीजेपी देश के बेच देता है, वर्कर्स लोग को काज नहीं देता है, मजदूरी कम देता है, और किसान लोग लौटता है उसको डिमांड नहीं लेता है, तो इसलिए हम लोग उसके अगेंस्ट है। हम लोग नहीं चाहता है जो वेस्ट बंगाल में बीजेपी आए, हम बांग्ला से बीजेपी को नहीं चाहता है, बांग्ला को पर मौका तो देना चाहिए ना, 10 साल में जो लोग 20 लोग है, जो लोग 20 लोग है वो तो केंद्र में 6 बच्चों है, वो लोग तो आसाम में है, वो लोग तो त्रिपुरा में है, वो लोग क्या क्या उत्तर प्रदेश में है, वो लोग क्या क्या, इसलिए हम लोग कोई सुजोग नहीं देगा उसको। बीजेपी नाम के एक कार्यक्रम के तहत ये रैली की जा रही है, जिसमें इन लोगों का ये कहना है कि किसी भी पार्टी को वोट दो, किसी को भी वोट दो, लेकिन भाजपा को वोट मत दो। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर बंगाल की जनता ऐसा क्यों चाहती है, क्यों भाजपा को इतना नापसंद करती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल हमने बहुत से लोगों के सामने रखा भी, लेकिन उनका कहना है कि लगातार जहाँ जहाँ पर भाजपा का भाजपा की सरकार है वहाँ के हालात देख करके वो डर चुके हैं। उनका कहना है कि हम भाजपा की सरकार को इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वो कृषि कानून लेकर के आती है, माइग्रेंट लेबर्स
बर्दाश्त नहीं करती है। और जो इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो रेप स्ट्रैटेजी है वो बढ़ती जा रही है, जो रेप के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा सरकार बंगाल के लोगों को सुरक्षा कैसे देगी, ये आम जनता का कहना है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो क्यों भाजपा को नापसंद करते हैं। मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में खास तौर से बंगाल के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों बंगाल के स्टूडेंट्स भाजपा सरकार को नहीं चाहते हैं, जबकि भाजपा की जब यहाँ पर रैली हुई थी तो ये वादा किया गया था कि यहाँ की जनता को, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, फिर क्यों यहाँ के युवा, जो बंगाल के युवा है, वो भाजपा को नहीं चाहते हैं, उनको वोट नहीं देना चाहते हैं। आइए लोगों से जानते हैं। रैली में एक जो बड़ा नारा है वो ये है कि बीजेपी को एक वोट दियो ना, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी को एक वोट क्यों ना दियो? क्योंकि बीजेपी एक सभ्यता विरोधी पार्टी है। ये बात बीजेपी का जब कैंडिडेट लिस्ट निकला था उसमें सब हिंदी और अंग्रेजी में लिखा था, बंगाल में का प्रार्थी है बंगाली में नाम नहीं लिखा था। ये एक हिंदी साम्राज्यवादी पार्टी है, ये एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये एक दलित बहुजन विरोधी पार्टी है, ये एक बलात्कारी समर्थक पार्टी है। हम नहीं चाहते कि बंगाल एक बलात्कार का भूमि बन जाए, ये दलित हत्या का भूमि बन जाए, ये एक ब्राह्मणवाद का भूमि बन जाए, ये एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगला है, ये बेगम रोकेया का बंगला है, ये एक हेनरी लुई डिरोजियो का बंगला है, ये एक माइकल मधुसूदन दत्त का बंगला है, ये महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल का बंगला है, या यहाँ पे हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोगों को हम जीतने नहीं देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का भी बंगला है, और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है, रविंद्रनाथ टैगोर जैसा दिखना चाहते हैं। अरे बनना चाहते थे तो रविंद्रनाथ बन चुके, तो आसाराम। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया जी क्यों आई है इस कार्यक्रम में? मिचिन में। क्या कहना चाहती है, क्यों बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा? बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगी? क्यों नहीं देंगी? वो हम लोग का घर द्वार सब भांग दिया, ब्रिज के नीचे। हम लोग का घर द्वार ब्रिज के नीचे सब भांग दिया। अच्छा, ब्रिज के नीचे आपका घर था, सब हटा दिया? सब तोड़ उड़ दिया, झुबड़ी में दे दिया हम लोग को। आज जो इतने सालों से बीजेपी को वोट देने के बाद जो हमारे देश का जो सिचुएशन है और हम लड़कियों का जो सिचुएशन है, मैं एज अ वुमन आई वांट टू स्टैंड अगेंस्ट ऑल ऑफ इट। बीच में हमें भैया मिले हैं, पपीते काट रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं यहाँ की राजनीति के बारे में, क्या किसकी ओर रुझान है आपका, मौजूदा सरकार से खुश है? अरे यहाँ तो बहुत दिक्कत हो रहा है ना, तेल का दाम बढ़ गया, हम लोग का खेती होने नहीं जा रहा है, और खेती नहीं हो रहा है, जो अन्न उपज रहा है वो ज्यादा भाव में बिक रहा है, यहाँ किसान हम लोग मर रहे हैं। तो ये तो केंद्र सरकार की दिक्कत है, मैं बंगाल की बात पूछ रही हूँ, बंगाल में कोई दिक्कत है? बंगाल सरकार से कोई? तो हम लोग मोदी सरकार का सब काम है, तो मोदी सरकार सब कर रहे हैं, तेल का दाम बढ़ा बढ़ा करके हमको जान मार रहे हैं। वोट नहीं दीजिएगा? बाजार के एक दुकान की छत पर आ गए हैं ताकि हम आपको अच्छे से दिखा सके कि यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ है। मैं यहाँ से आपको तस्वीर दिखाऊंगी, थोड़ा इधर दिखाइए, कितनी लंबी यहाँ पर भीड़ है, लोगों की तादाद हजारों में तादाद होगी यहाँ पर। खास तौर से यहाँ पर युवा हैं वो आए हुए हैं नो वोट टू बीजेपी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान भी हैं जो बंगाल की जनता को संबोधित कर रहे हैं। यानी साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से बंगाल की राजनीति में किसान आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। अब तक हमने जितने लोगों से बात की है उनका ये कहना है कि भाजपा को वोट वो खास तौर से किसान आंदोलन, कृषि कानून जो भाजपा लेकर के आई है उसकी वजह से नहीं देना चाहते हैं। वो इनसिक्योर है इस बात को लेकर के कि अगर भाजपा इनके राज्य में आती है तो किसानों की जो दशा है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं साफ तौर से इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हमने जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है,
उनसे भी बात की। हालांकि बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उनसे जब हमने बात की और पूछा कि क्या जय श्री राम के नारे का कोई असर देखने को मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि बंगाल में जो सबसे बड़ी खूबसूरती बंगाल की है वो ये है कि यहाँ के लोग सेक्युलरिज्म को मानते हैं, इसलिए यहाँ पर भाजपा ने जो नारा दिया है जय श्री राम का, उसका साफ तौर से कोई असर नहीं होने वाला है। ये बंगाल की जनता है, बंगाल की जनता की राय है। आज पहला दिन है, हमने आपको दिखाया है ये बड़ी रैली जो आपके सामने है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये एक रुझान आप समझ सकते हैं, लोगों की राय देख सकते हैं, और भी हम ऐसी तमाम तस्वीरें, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाते रहेंगे। आप बहुजन टीवी के साथ बने रहिए। नमस्कार।